छतरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से गैंगस्टर रोहित गोदारा की व्यापारी को धमकी देखने को मिली है। धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। व्हाट्सएप और वॉइस कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। बनीपार्क निवासी राहुल तांबी को ये धमकी दी गई है। 5 दिन में रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी है। घटना के बाद पीड़ित ने बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर बनीपार्क निवासी राहुल तांबी नाम के एक व्यक्ति को, क्लब मालिक को ये धमकी दी गई है। 5 दिन में रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रोहित गोदारा नाम से उसके पास एक व्हाट्सएप और वीडियो व्हाट्सएप कॉल आया, उसके बाद में ये धमकी उसे दी गई है कि पैसे जमा नहीं करवाए तो दिक्कत होगी। और हमारे साथ में जयपुर से हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, राहुल तांबी नाम का जो व्यक्ति है, क्लब मालिक की बताया जा रहा है, और इसको साफ तौर पर धमकी यहां पर दी गई है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी अपडेट है इस पूरे मामले में फिलहाल? देखिए दीपक, अभी जी क्लब में जो घटना हुई है 28 तारीख को, इस घटना को बीते हुए महज अभी 2 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन भी नहीं हुए, इस घटना के बाद में ये एक धमकी फिर से जो लॉरेंस उसोई गैंग का जो साथी है रोहित गोदारा, उसने एक बार फिर एक ऑडियो मैसेज के जरिए और व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक क्लब मालिक को धमकी दी है। बनीपार्क के हाथी बाबू जो इलाके का जो रहने वाला जो शख्स है राहुल तांबी, उसको ये धमकी दी गई है, और ये धमकी मिलने के बाद उसने बनीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सबसे बड़ी बात है, इस बार जो धमकी दी गई है उसमें क्लियर तौर पर चेतावनी दी है, और इस धमकी के जरिए 2 करोड़ रुपए की जो रंगदार ये फिरौती है वो मांगी है। अगर रंगदारी नहीं देता है तो उसको 5 दिन के अंदर उसको जान से मारने की धमकी जो है वो इस राहुल तांबी को दी है गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। 5 दिन का समय दिया है इस व्यापारी को कि 5 दिन के अंदर अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो इसका अंजाम तुम्हें बुरा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह ऑडियो मैसेज आया था और वॉइस कॉल मैसेज आया था, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो कॉल आया था, राहुल तांबी लगातार इस अननोन कॉल को लेकर के लगातार फोन काट रहा था, क्योंकि अनजान नंबर था, उस बात नहीं करना चाहता था राहुल तांबी जो व्यापारी है, जो क्लब मालिक है। जब बार बार फोन काट रहा था तो उसके बाद एक वॉइस मैसेज छोड़ा गया, और वॉइस मैसेज के जरिए यह कहा गया कि राहुल तुम जो ये फोन बार बार काट रहे हो ये सही नहीं है, अगर तुम ये फोन काट रहे हो तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं रोहित गोदारा बीकानेर से बोल रहा हूं, तुम जो है अगर मेरा फोन जो अगर काटोगे तो इसका अंजाम तुम्हें बुरा भुगतना पड़ेगा, ये ना हो जाए कि तुम्हें तुम्हारे क्लब के अंदर ही डांस करना नहीं पड़ जाए। जैसा कि जो FIR में राहुल तांबी ने जो आरोप लगाए हैं, जो FIR दर्ज कराई है, उसमें ये के ही शब्द है जो लिखे गए हैं। खुद रोहित गोदारा ने ये कहा कि तुम्हें तुम्हारे क्लब के अंदर जो है डांस करना नहीं पड़ जाए, और तुम जितना बच सकते हो बच लो, तुम्हें प्रशासन के पास जाना है, प्रशासन के पास चले जाओ, यानी खुला चैलेंज दिया, घूम के आना है, किसी को भी बताना है, तुम घूम के आ जाओ, किसी को भी शिकायत कर लो, लेकिन अगर तुमने मेरे 2 करोड़ की फिरौती की जो रकम है ये 5 दिन के भीतर नहीं दी तो देखना इसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इतना ही नहीं, बाकी ये भी कहा है कि तुम्हें किसी को भी अगर कोई शिकायत करनी है तो शिकायत कर लो, यानी उसको किसी भी प्रकार का कोई डर जो है वो यहाँ पर रोहित गोदारा को नहीं है, और इसी के चलते इस तरह का जो वॉइस मैसेज था वो उसको रोहित गोदारा जो है लॉरेंस गैंग का जो साथी है उसने यहाँ पर जो राहुल तांबिया उस व्यापारी को धमकी दी है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि तुम समझते हो कि जो तुम करना चाहते हो तुम करो, लेकिन मेरी बात को तुम लाइटली मत लेना, अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया तो मैं समझूंगा तुम हाँ हो, यानी तुम 2 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो, और अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी ना है। तो यानी कितना जो चैलेंज है, कितना बड़ा जो चैलेंज है वो रोहित गोदारा ने इस व्यापारी को दिया। यादवेंद्र, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी एक क्लब मालिक इनके रडार पर था, जी क्लब का मालिक, और उसके बाद में अब जब राहुल तांबी को यहाँ पर धमकी दी गई है तो ये भी एक क्लब मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय जो बदमाश होंगे या जो लोकल लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं वो जानकारी इनको बदमाशों को मुहैया करवा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की शरण में आइए, पुलिस के पास आइए, शिकायत दर्ज कराइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी को भी जो है पैसा देने की या रंगदारी देने की जरूरत नहीं है। चूंकि जी क्लब का जो मालिक था उसके पास 8 जनवरी से लगातार कॉल आ रहा था, वो डर गया था, वो पुलिस में नहीं गया था, और उसका अंजाम जो भुगतना पड़ा, उसके क्लब पर 17 राउंड फायर हुई थी,
फायरिंग हुई थी, अगर समय रहते अगर क्या पता अगर जी क्लब का जो मालिक है अक्षय गुरनानी अगर थाने पर चला जाता तो शायद हो सकता है ऐसी घटना नहीं होती, वहां पर पहले से सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती। इसी के बाद जब ये घटना हुई तो जयपुर पुलिस इसमें कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है दीपक, और इसीलिए उन्होंने सभी मैसेज सभी व्यापारियों को मैसेज भिजवाया, तमाम लोगों को मैसेज दिया है व्यापार मीडिया के जरिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अजय पाल लामा ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जो उन्होंने मैसेज किया था कि डरने की जरूरत नहीं है, जयपुर पुलिस उनके साथ है, कोई भी ऐसी थ्रेट आती तो हमारे पास आइए। और इसी के चलते जो व्यापारी राहुल तांबी जो है उसके पास जैसे ही कॉल आया ठीक उसके महज आधा घंटे बाद वो बनीपार्क थाने जाता है, उस अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाता है और उसके बाद एक मुकदमा दर्ज जो है वो रोहित गोदारा के खिलाफ दर्ज होता है। हमारे पास ये एफआईआर की कॉपी भी है, अगर इस एफआईआर की कॉपी को अगर मैं पढ़ के दिखाऊं दीपक तो इसमें खुला चैलेंज जो है रोहित गोदारा की ओर से वो यहाँ पर व्यापारी राहुल तांबी को दिया गया है। अब एफआईआर में जो आरोप लगाए उसके तहत अगर मैं बताऊं तो जान से मारने की धमकी है जो यहाँ पर रोहित गोदारा ने दी है, और उसमें ये कहा है कि खुद के क्लब में तू डांस करता हुआ अच्छा थोड़ी ही लगेगा, आगे तेरी मर्जी है, फोन उठा ले, ढंग से बात कर ले, रोहित गोदारा बीकानेर से बोल रहा हूँ, कल को यह नहीं हो कि तेरे ही इसमें तुझे ही ये कहना पड़ जाए कि राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हुई है, उस गाने पर तुझे डांस करवाना ना पड़ जाए, तेरे क्लब में तू खुद डांस करेगा। साथ में ये भी कहा कि ये ध्यान रखना मैं वही बोल रहा हूँ सोच ले जो तू सोच रहा है, इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है, प्रशासन के पास जाना है तो तुम चले जाना। ये तमाम तरह के जो एलिगेशंस हैं जो धमकी भरे जो वायरल मैसेज था वो इस दीपक इस एफआईआर में जो मैसेज दिया गया था तो सारे शब्द जो हैं इस एफआईआर में दर्ज हैं, तमाम जो एलिगेशंस जो लगाए गए हैं रोहित गोदारा के खिलाफ वो सारे शब्द जो है वो इस एफआईआर के अंदर दर्ज है। हालांकि घटना के बाद अब जयपुर पुलिस जो है किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, और उन्होंने जो व्यापारी है व्यापारी राहुल तांबी उसने जयपुर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अब इस एफआईआर के बाद में निश्चित तौर पर जो व्यापारी है राहुल तांबी उसको जयपुर पुलिस की ओर से सुरक्षा है जो मुहैया कराई जाएगी ताकि जी क्लब जैसी जो घटना है फिर से नहीं दोहराई जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यादवेंद्र हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि जी क्लब के बाद में अब एक और नए क्लब मालिक को राहुल तांबी को धमकी दी गई है, व्हाट्सएप और ऑडियो मैसेज के जरिए यह धमकी उसे मिली है और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है, साफ तौर पर धमकाया गया है।